झारखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुशंसा पर मोदी कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसका झारखंड बीजेपी ने जोरदार स्वागत किया। केंद्र के इस दांव पर झारखंड की महागठबंधन सरकार चित नजर आ रही है। वो ना तो खुलकर विरोध कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन। रिपोर्ट देखिए। झारखंड स्थापना दिवस से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सूबे को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर केंद्रीय कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का फैसला किया है और आगामी 15 से 22 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को झारखंड के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जहां आदिवासियों के हित में एक बड़ा कदम बताया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगों को रख दिया। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने कई मुद्दों को सरकार के सामने रखा और कहा कि इस पर केंद्र को पहल करनी चाहिए, तभी इस दिन का महत्व सार्थक होगा। केंद्र सरकार गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के बाद जब फैसला ली है तो आदिवासियों का सबसे पहले तो उनका जो ट्राइबल सब प्लान का जो राशि है, वो राशि जिसके लिए आपका केंद्रीय विशेष सहायता का राशि जो आता है उसमें कटौती ना हो, इससे आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर भारत सरकार को जो सरना कोर्ट का जो यहाँ से गया हुआ है आपका प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को संसद से पारित कर दे। ये बहुत बड़ा आदिवासियों का विकास से गौरव का दिवस माना जाएगा। वहीं जैसे ही झारखंड में सरकार चला रही पार्टी के बयान सामने आए, बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा आदिवासियों की हितैषी रही है और आने वाले समय में केंद्र की सरकार आदिवासियों के लिए और बेहतर कार्य करने से पीछे नहीं रहेगी। ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया गया कि 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और साथ ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है, तो कहीं ना कहीं एक हम सबों के लिए एक विशेष अवसर है कि इस दिन को हम विशेष रूप से याद भी करें और साथ साथ जनजातीय समुदाय के लोग भी इस बात को आत्मसात करने की भारतीय जनता पार्टी ही उनकी सच्ची हितैषी है, दूसरा कोई दल नहीं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दी जा रही राशियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बंदरबांट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार ने विशेष विमानों के द्वारा दवाइयां भेजी थी और दवाइयों को उन लोगों के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा जनता तक पहुंचाने के स्थान पर हमको लगता है कि 38 करोड़ की दवाइयां उन्होंने वेस्ट कर दिया और उसको बर्बाद कर दिया और वो कहते रहे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही।